एएनएम के घर में प्रसव करना पड़ा महंगा, लापरवाही से महिला की गई जान। हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत जयप्रभा नगर स्थित अपने आवास में एएनएम तनुश्री ने बरही के दुलमुहा पंचायत निवासी 25 वर्ष पिंकी कुमारी को प्रसव के लिए अपने घर बुलाया, जहां एएनएम तनुश्री ने अपने घर पर महिला का डिलीवरी करवाया, जिसके बाद परिजनों को आधे घंटे बाद महिला को बच्चा सहित स्वस्थ होने की बात कही गई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर घर निकल पड़े। लेकिन कुछ ही देर बाद महिला पिंकी कुमारी की हालत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते कुछ पल में महिला की मौत हो गई। परिजनों ने गलत तरीके से प्रसव कराने का आरोप लगाते हुए एएनएम तनुश्री के खिलाफ बड़ा बाजार थाना में लिखित शिकायत की है। बताते चले कि मृतक पिंकी कुमारी के 2 साल की एक बेटी है। परिजनों ने बताया कि एएनएम तनुश्री कटकमदग प्रखंड की सिरसी उप स्वास्थ्य केंद्र में सेवारत है। वहीं इस घटना के बाद एएनएम तनुश्री घर में ताले लगाकर फरार हो चुकी है। मेरे भाई की पत्नी थी जिनका नाम पिंकी देवी था और मेरा भाई का संतोष यादव था, जिसका जो डिलीवरी का कुछ केसेस था, पेट में दर्द उठ रहा था, तो मैंने खुद उसका इलाज करवाने को लेकर के हजारीबाग पहुंचा। तो किसी के माध्यम से मैंने जयप्रभा नगर गली नंबर 2 में तनुश्री मैम करके कोई मैडम रहती है, जिन्होंने बोली कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करवाता हूँ, और वो अपने यहाँ अपने विश्वास पर लेकर के गई और विश्वास पर लेने के बाद नॉर्मल डिलीवरी भी करवाई, लेकिन इसको उपरांत पेशेंट को या फिर बच्चे को जांच बिना जांच पड़ताल किए आधा घंटा के अंदर रिलीज कर दी। रिलीज करने के बाद रास्ता में ले जाने के क्रम में, चूँकि मैं एक जेंट्स हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटरनली लेडीज होने के नाते उनसे मैं कुछ पूछा नहीं, लेकिन रास्ते में जाने के उपरांत उनका धीरे धीरे बॉडी अस्थिर होने लगा और अंततः उनका देहांत हो गया। क्या कुछ पैसे भी लिए गए थे हॉस्पिटल में इलाज के लिए? मुझसे 20,000 रुपया लिया गया था। वो अपने घर में इलाज? हाँ, वो अपने यहाँ की, जबकि उसके यहाँ का कोई टैग नहीं हॉस्पिटल का, उनका खुद का अपना घर है और अपने आवास पे इलाज की। इलाज के दौरान आप लोग मौजूद थे वहाँ पे? मैं, मुझे मौजूद रहने दिया ही नहीं गया था। तो आप लोग पूछताछ की नहीं गई? तो उसके बाद क्या था कि इलाज के दौरान मेरी भाभी साथ में थे, तो वहाँ बोला गया कि लेडीज को ही अंदर आया आने के लिए दिया जाता है, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, जेंट्स को हम लोग अंदर आने के लिए नहीं देते हैं, और लास्ट तक मुझे अंदर जाने के लिए नहीं दिया गया। और क्या हुई थी, क्या लड़का था? बेटा था, लड़का था। कैसा है बच्चा भी? बच्चा अभी फिलहाल ठीक है, अभी जब से माँ उसरा हुई है बच्चा का जैसे तैसे किन्हीं के पास है। तो बच्चा किस माध्यम से वहाँ तक पहुँची? ढेमरा में कोई व्यक्ति वहाँ इलाज करवाते थे, जो हमारे बड़े भाई का कोई रिलेटिव वगैरह थे, उनका इलाज वहाँ चलता था, तो उन लोग को वहाँ विश्वास में, चूंकि वो सिरसी में शायद एएनएम जेएनएम लोग बोलते हैं, तो उनका प्रैक्टिस उस क्षेत्र में है, तो प्रैक्टिस के दौरान लोगों को अपने विश्वास में लेती है और वो अपने यहाँ इलाज के लिए बोलती है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करवाती हूँ अपने यहाँ, तो लोगों को एक विश्वास के तौर पर लिया गया और विश्वास के तौर पर हम लोग भी वहाँ पर गए, लेकिन हमारा एक आज समझे तो बहुत हमारे परिवार के साथ बहुत बड़ा दर्दनाक घटना घटी है, और मैं चाहूंगा कि मुझे न्याय मिले, मेरे भाई को न्याय मिले और मेरे भाई को पत्नी को न्याय मिले जो दुनिया छोड़ के चली गई, जो अपने बच्चे का मुंह तक देख नहीं पाई। तो मैं ऐसे नर्सों से, ऐसे डॉक्टरों से जो फर्जी डिग्री वाले हैं, मैं चाहता हूं कि कानूनी रूप से उन पर कार्रवाई हो। आपका पूरा परिचय? मेरा परिचय सकलदेव यादव, और मैं उनका जो मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई की पत्नी है, पता है चंदन नगर बुढ़ेडी। इस घटना के बारे में क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से यह घटना हुई है? जो घटना मुझे मालूम हुआ तो मुझे, हम सर्च किए कि वो डॉक्टर है कि क्या है, कि बिना डिग्री वाला डॉक्टर झांसा दे के दलाल के दरमियान अपना पैसा कमाने के लिए इसका जान हत्या कर दिया है। हम चाहेंगे इसको कोर्ट अदालत में इसको केस किया जाए और जो मृतक है उनको क्या बोलते हैं उसको इंसाफ मिला जाए। क्या परिचय हुआ? मैं नारायण यादव, दुलवा पंचायत के मुखिया। क्या कुछ घटना हुई है? हम सुबह में हॉस्पिटल भेजे सिस्टर को, उसके बाद यहाँ पे इलाज हुआ, आने उसके दौरान बच्चा हुआ, उसके बाद कुछ देर के बाद हमको पता चला कि नए सिस्टर को भेज दिया जा रहा है, तो रास्ते में अब जाते जाते, हम तो साथ में थे नहीं, सकलदेव भैया थे, तो अब जाते हुए घर पहुंची वैसे ब्लडिंग ज़्यादा चालू हो गया और बेहोश होना चालू हो गई, उसके बाद वही क्रमांक में उसको रिटर्न भेजा गया, उसमें रास्ते में मौत हो गया। कहाँ पे इलाज हो रहा था? इलाज कहाँ पे हो रहा था? प्रभानगर तन्नू करके कोई मैडम है,
तनु कर करके है। कहाँ पे इलाज होता है? हॉस्पिटल का नाम? नहीं, घर में हूँ। घर में इलाज जी। क्या नाम हुआ आपका? सतीश यादव।